तीसरी लहर की शुरुआत, 24 घंटे में 10,860 नए मरीज, 2 की मौत। मुंबई में कोरोना की डरावनी रफ्तार, मंडराया लॉकडाउन का खतरा, मुंबई की मेयर ने कहा मामले 20,000 के पार हुए तो लगेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 18,466 केस, 29 मरीजों की मौत, ओमिक्रॉन से 653 बीमार। हालात की गंभीरता पर सीएम उद्धव ठाकरे जनता को कर सकते हैं संबोधित। पुणे में भी कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 1104 हुए कोरोना संक्रमित, थूकने पर 1000 और मास्क नहीं पहनने पर 500 का जुर्माना। दिल्ली में कोरोना का लौटा पुराना खौफ, सरकार ने उठाए एहतियाती कदम, निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया, शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। दिल्ली सरकार की जरूरी सेवा से जुड़े अफसर ही जाएंगे दफ्तर, बाकी वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी खतरनाक स्पीड, 24 घंटे में 5,481 नए मरीज, 3 की मौत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल कोरोना संक्रमित, संजय सिंह की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव। नए साल पर पाबंदी फ्री, बंगाल में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 9,073 मामले, कोलकाता में 4,759 बीमार। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 992 नए मरीज, 3,000 के पार पहुंचे एक्टिव मामलों का आंकड़ा। उत्तराखंड में 24 घंटे में सामने आए 310 नए मरीज, राज्य में अब कुल 654 एक्टिव केस। बिहार में पिछले 24 घंटे में 893 नए कोरोना केस, पटना में बिगड़े हालात, 565 मामले दर्ज। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,137 कोविड पॉजिटिव केस, जयपुर में 745 केस। कर्नाटक में तेजी से फैल रहा है संक्रमण, 24 घंटे में 2,479 केस, 149 ओमिक्रॉन से बीमार। तेलंगाना में भी कोरोना ने बढ़ाई स्पीड, 24 घंटे में 1,052 केस, 10 नए ओमिक्रॉन मरीज। तमिलनाडु में 24 घंटे में 2,731 केस, 9 की मौत, चेन्नई में भी आंकड़ा पहुंचा 1,500 के करीब। पंजाब में भी कोरोना से बीमार पड़ने वालों की बड़ी तादाद, एक दिन में 1,027 नए मरीज। चंडीगढ़ में 24 घंटे में 128 मरीजों से बढ़ी दहशत। केरल में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 3,640 केस दर्ज, 30 मरीजों की मौत। झारखंड में भी कोरोना का बड़ा खतरा, 24 घंटे में 2,681 लोग संक्रमित। मेघालय तक पहुंचा ओमिक्रॉन का संक्रमण, पिछले 24 घंटे में पाए गए 5 नए मरीज। राजस्थान के जोधपुर में सरकारी स्कूल के 19 छात्र कोरोना से संक्रमित, शहर में सामने आए 185 नए मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा कोरोना के हालात पर हमारी करीबी नजर। जम्मू में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कोरोना ने फैलाया जाल, 140 छात्र कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते खतरे पर बीसीसीआई भी सजग, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और वुमेन्स टी20 लीग किया स्थगित। आईआईटी खड़गपुर में फैला कोरोना का संक्रमण, 60 छात्र बीमार। गुजरात सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल कोरोना संक्रमित, उत्तराखंड के भी स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे कोरोना पॉजिटिव। पटना के जेडीयू ऑफिस में कोरोना विस्फोट, 5 लोगों को पॉजिटिव पाए जाने के लिए कार्यालय में आम लोगों की आवाजाही पर रोक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव प्रचार पर आज आयोग की अहम बैठक, डोर टू डोर कैंपेन और रैली के स्वरूप पर मंत्रणा। फिरोजपुर से आज पंजाब में बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे पीएम मोदी, 42,750 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की रखेंगे आधारशिला, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी के साथ मंच पर होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, रैली से पहले कहा गठबंधन देश राज्य के हित में बीजेपी के साथ। पीएम मोदी की रैली से पहले नाराज किसानों ने रास्ते में रोड़े अटकाने की दी धमकी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मजदूर संघर्ष समिति की बात। चुनाव प्रचार और शिलान्यास के बीच लखनऊ में सीएम योगी ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन करेंगे उद्घाटन। अलीगढ़ की रैली में योगी ने कांग्रेस
एसपी बीएसपी पर कसा तंज, बोले बुलडोजर चलने पर दिल्ली में बैठे इटली की चिंता करने वाले भाई बहन होते हैं परेशान। अखिलेश के सपने पर योगी का सियासी तंज, कहा भगवान कृष्ण कोस रहे हैं उनको, राम भक्तों पर चलाई थी गोली। अखिलेश ने किया है भगवान कृष्ण के सपने में आने का दावा, कहा भगवान बोलते हैं तुम्हारी बनेगी सरकार। मणिपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली, 22 परियोजनाओं का किया उद्घाटन, त्रिपुरा को पीएम मोदी ने दिए 3 बड़े उपहार। चुनाव से पहले चन्नी का किसान कार्ड, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को दी नौकरी की चिट्ठी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का केजरीवाल पर वार, दिल्ली के सीएम को पंजाब के लिए बताया कोरोना। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बीजेपी व्हाट्सएप ग्रुप से किया किनारा, सियासी अटकलें तेज। हैदराबाद में तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर सुलगी सियासत, जेपी नड्डा ने की कैंडल मार्च की अगुवाई। बरेली में कांग्रेस की मैराथन दौड़ में हुए हादसे पर डीएम ने बैठाई जांच, सिटी मजिस्ट्रेट ने पाई मैराथन आयोजन में खामियां। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर। गलवान में चीनी प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब, नए साल पर भारतीय सेना ने भी फहराया था तिरंगा। कश्मीर घाटी में बर्फबारी की नई खेप, किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। कश्मीर के पहलगाम में जबरदस्त बर्फबारी, शीतलहरी और ठंड ने किया लोगों को बेहाल। दिल्ली में जारी है शीतलहरी का कोहराम, 5 डिग्री के करीब है न्यूनतम तापमान। शिमला में फिर हुई ताजा बर्फबारी से मौसम और सर्द, पारा 2 डिग्री तक गिरा। हिमाचल प्रदेश में मनाली सहित लाहौल और स्पीति में बर्फबारी, ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे पहुंचा तापमान। हिमाचल के मंडी में भी बर्फ की बारिश, ठंड के कारण घरों में दुबके लोग। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 24 घंटे बर्फ की बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री तक जबरदस्त बर्फबारी। रायबरेली में लूट की योजना बनाते बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 11 लोग गिरफ्तार, लूट का माल हथियार बरामद। अमरावती में शर्मनाक घटना, 70 साल की बुजुर्ग से रेप, 65 साल का आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के चाईबासा में पूर्व विधायक पर नक्सलियों का हमला, 2 बॉडीगार्ड को बनाया बंधक। ग्वालियर में देखा जब नजारा, रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट कर रही डॉक्टर से बदसलूकी, सीसीटीवी से मामले की जांच। लखनऊ में देखी दबंगों की दादागिरी, बेटी के रेप का केस करने पर बाप की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल। राजस्थान के बाड़मेर में ट्रैफिक पुलिस वालों से भिड़ा एक शख्स, बाइक रुकवाने पर मारपीट पर हुआ उतारू। थाने स्टेशन से अगवा 13 साल की लड़की, दिल्ली में मिली पुलिस को अपहरण करने वाली महिला की तलाश। मध्य प्रदेश के बैतूल में पैसे देने से मना करने पर पति ने पत्नी के ऊपर पेट्रोल डालकर लगाई आग, महिला की हालत गंभीर। दौसा के स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पंजाब में तरनतारन के बैंक में दिन दहाड़े डकैती, डीवीआर लेकर फरार हुए लुटेरे। ग्रेटर नोएडा में फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से लूट, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में हत्यारे सिपाही को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 4 लोगों को मारी थी गोली, 1 की हुई थी मौत। बस्ती में खेत में मिली एक लड़की की लाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, मामला प्रेम प्रसंग का। बिहार के छपरा में चोरों की मौज, बंद दुकान का ताला तोड़कर हजारों का माल किया गायब, वारदात सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद में तेज रफ्तार बेकाबू बाइक पुल की रेलिंग से टकराई, दोनों बाइक सवार की मौत। झारखंड के भूकुंडा में तेज आवाज के साथ फटी धरती, जमीन का बड़ा हिस्सा हुआ जमींदोज, आसपास के घरों में आई दरारें। हरदोई में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बेकाबू कार, भाई बहन की मौके पर मौत, 3 लोग जख्मी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में दिल दहलाने वाला हादसा, मैदान में खेल रहे बच्चों को गाड़ी ने कुचला, 3 मासूमों की मौत।
अलीगढ़ के बिजली घर की पुरानी बिल्डिंग में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। केरल के तिरुवनंतपुरम में पेड़ से टकराई बाइक, 3 छात्रों की मौत। जूना अखाड़ा के पीठाधीश नरसिंहानंद सरस्वती के विवादित बोल, कहा हिंदुओं को बढ़ानी चाहिए आबादी। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, जल्द ही 100 बसें खरीदेगी केजरीवाल सरकार। नोएडा में महिलाओं को सक्षम बनाने की अनोखी शुरुआत, 9 इलाकों में बनाए गए पिंक वेडिंग जोन, महिलाओं को मिली 55 दुकानें। कैथल में सुर्खियों में है गरीबों की मदद करने वाला पुलिसकर्मी, घूम घूम कर बांटता है कपड़े और जूते। 3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी एप्पल, 5 मिनट के भीतर शेयरों में गिरावट से कम हुई वैल्यूएशन। 1 फरवरी से SBI के ग्राहकों को 2 से 5 लाख की रकम के IMPS के लिए देने होंगे 20 रुपए, बैंक ने अलग स्लैब बनाया। बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे 2000 तक की खरीदारी, RBI ने सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद ऑफलाइन डिजिटल भुगतान को दी मंजूरी। ONGC की HR डायरेक्टर अलका मित्तल को मिला कंपनी के CMD का अतिरिक्त प्रभार, पहली बार किसी महिला के हाथ आई कमान। 5G सर्विस लॉन्च करने की रेस में रिलायंस जियो ने पकड़ी रफ्तार, कंपनी को भरोसेमंद वेंडर से 5G गियर खरीदने की मिली इजाजत। जल्द आ सकता है टाटा टियागो का CNG वेरिएंट, कंपनी ने टीजर वीडियो जारी करके दिया लॉन्च करने का संकेत। ब्रिटेन में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, पहली बार 24 घंटों के भीतर सबसे ज्यादा 2 लाख कोरोना केस आए सामने। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के नाइट क्लब में टीकाकरण अभियान, क्लब में मौज मस्ती के लिए पहुंचे लोगों को लगाए जा रहे हैं कोरोना के टीके। मेक्सिको सिटी में ओमिक्रॉन वेरिएंट से दहशत के बावजूद खुले स्कूल, कोरोना के टीके लगवा चुके बच्चों को स्कूल आने की इजाजत। न्यूयॉर्क में छुट्टियों के बाद खुले स्कूल, गवर्नर ने की अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील। WHO ने फिर दोहराया पिछले वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन कम खतरनाक। अमेरिका के वर्जीनिया में बर्फीले तूफान का कहर, ठप हुए सारे फ्रीवे, मीलों तक लगा जाम। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भारी बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटा पूरा का पूरा शहर। तालिबान राज में सूना पड़ा है बामियान का फेमस झील, सैलानियों के नहीं आने से मायूस हुए कारोबारी। यूक्रेन में बर्फीले तूफान के बीच सरहद पर मुस्तैद जवान, बंकर में मनाया नए साल का जश्न। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में साइक्लोन के बाद समुद्र में उठी तेज लहरें, किनारे पर खड़ी गाड़ी लहरों में उलझी।